और आइए आपको सुनाते हैं हिना सिद्धू से हमारे संवाददाता हेमंत सिंह की खास बातचीत। स्पोर्ट्स डे और खुद उनका जन्मदिन और आज अर्जुन अवार्ड। हिना सिद्धू हमारे साथ शूटर हैं जिनको आज अर्जुन अवार्ड मिला। परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट? यस, परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट। हाँ, ये जो अचीवमेंट आपकी पिछले एक डेढ़ साल में रही, आप नंबर वन बनी, अब ये अवार्ड जरूर मोटिवेट करेगा एशियन गेम्स में जाने से पहले? हाँ, इट मतलब ये सही टाइम पे आया है, तो कॉमनवेल्थ में मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो अभी ये अवार्ड के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस तो मिलता है कि मेरी अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। तो एशियन गेम्स जाने से पहले मतलब एक तरह की खुशी है अवार्ड को लेके, तो इट इज़ कम एट द राइट टाइम। ऐसी कॉमनवेल्थ गेम में चूक क्या हो गई जो कि आप पहले फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाई, ऐसा क्या हुआ था जो अब आप जिसे ठीक करना चाहेंगे? नहीं, मैं फ़ाइनल के लिए तो क्वालिफाई की थी, फाइनल में फ़र्स्ट पोजीशन पे क्वालिफाई की थी, फ़ाइनल में ख़राब परफॉर्मेंस था मेरा, तो लेकिन हमने आइडेंटिफाई किया है एंड आई एम वर्किंग ऑन माय फाइनल। सो फाइनल और क्वालिफिकेशन एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम होता है, तो वी आर वर्किंग ऑन द फाइनल्स एंड एशियन गेम्स में इट विल बी मच बेटर। आपने कहा कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करती, एक दो घंटे फोकस में रहकर प्रैक्टिस करती हैं, तो क्या आप प्रैक्टिस आवर्स बढ़ाए हैं आपने? नहीं, प्रैक्टिस आवर्स मेरे एक दो घंटे नहीं है, मेरे प्रैक्टिस आवर्स 3 to 4 hours हैं एंड आफ्टर दैट 1 or 2 hours इन द जिम, सो इन ऑल 5-6 hours पर डे मेरा निकल जाता है शूटिंग में, तो इट्स जस्ट वी हैव बिकम अ लिटिल फोकस्ड, तो जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। आप सेलिब्रेट कैसे करेंगे इसे? मेरा बर्थडे है तो अभी मैं डिनर के लिए जाऊँगी मेरी फैमिली के साथ। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी हिना सिद्धू जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला और उन्हें उम्मीद है कि ये मोटिवेट करेगा उन्हें जब वो एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगी। कैमरामैन बाला दत्त के साथ हेमंत सिंह, P7 News।